जय हिंद, वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। एचपी टेट 2024 के एग्ज़ाम के लिए साइकोलॉजी की क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। एचपी टेट साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ मैं एक बार फिर से आपके सामने जुड़ चुका हूं। आज एचपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि साइकोलॉजी के रहेंगे और ये डिफरेंट आपके एचपी टेट के एग्ज़ाम मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स सभी स्ट्रीम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार नियम 2009 में लागू क्या नहीं होता है? जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A, उसमें कौन सी चीज़ ऐसी लागू नहीं होती है? तो उसका जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा वो है 14 से 18 आयु के बच्चे। राइट टू एजुकेशन, जिसमें डिसेबिलिटी को भी काउंट किया जाता है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को भी काउंट करते हैं, 6 से 14 साल के बच्चों को काउंट करते हैं, रेगुलर अटेंडेंस ऑफ चिल्ड्रन को भी काउंट किया जाता है। सो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। इसको राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में काउंट नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी पढ़ रहा है, डी को सी पढ़ रहा है, अगर एज ए टीचर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चा सी को डी पढ़ रहा है, सी डी को सी पढ़ रहा है, तो कौन सी बीमारी से वो पीड़ित है, ऐसी कौन सी डिजीज है जिससे वो सफर कर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी है, डिसलेक्सिया। ये हमारे जो पेड बैचेस के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए चीजें जो है वो करवाई गई हैं, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, एलेक्सिया, सारी चीजें करवाई गई हैं जो कि डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटों की योजना का कार्य जो है वो करना पड़ेगा? तो एक हफ्ते में शिक्षकों को प्राथमिक विद्यालयों में जो कार्य करना है वो है 45 घंटे तक, राइट टू एजुकेशन 2009 के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हमारा राइट टू एजुकेशन है, फंडामेंटल राइट है, 21A, आर्टिकल 21A। नेक्स्ट है, वर्तमान में निशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है? अगर एट प्रेजेंट टाइम जो डिसेबल स्टूडेंट है उनकी एजुकेशन के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या कहा है? पहले उनके लिए स्पेशल एजुकेशन सेंटर चलाए जाते थे, स्पेशल स्कूल चलाए जाते थे, आजकल भी चलाए जाते हैं, लेकिन अब उन सभी बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐड किया गया है, जिसमें नॉर्मल बच्चों के साथ साथ जो डिसेबल अगर कोई पर्सन है, बच्चा है, तो उसको भी वहां पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो गवर्नमेंट का काफी बड़ा इनिशिएटिव है, जितने भी प्रोग्राम स्कूलों में डिसेबिलिटी चाइल्ड के लिए लगाए गए हैं वो सारे सेंट्रल फंडेड प्रोग्राम है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? यदि आप अगर मैथ पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो NCF 2005 के अनुसार मैथ पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, कि बच्चों के अंदर ऐसी थिंकिंग डिवेल्प हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डिवेल्प हो, ताकि वो मैथ को समझ सके, उनके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। तो मोस्ट प्रॉबल जो आंसर यहाँ पे रहेगा वो ऑप्शन सी है। ऑप्शन ए, बी और डी गलत नहीं है, लेकिन जो जिसको हम मोस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे देंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला है, NCTE का पूरा नाम क्या है? NCTE इसका पूरा नाम होता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ध्यान रखेंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कई बार NCERT का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एंड कई बार SCERT का भी राइट आंसर पूछ लिया जाता है, सॉरी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका जो हिमाचल में सेंटर है वो है आपका डिस्ट्रिक्ट सोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? मेंटल रिटार्डेशन की विशेषता नहीं है, मेंटल रिटार्डेशन में वो चीज नहीं आती है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, इंट्रापर्सनल रिलेशन जो है उसमें कहीं ना कहीं पे कमी रह जाती है।
ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे जितने भी क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एचपी टेट में एग्जाम में बार बार लगातार ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निशक्त बालकों की शिक्षा के लिए कैसा प्रावधान किया जा सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया जो स्पेशल या डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चे, नॉर्मल बच्चे भी, अगर कोई डिसेबल बच्चा है वो भी वहां पे जो है वो एजुकेशन प्राप्त कर सकता है, उसे समावेशित शिक्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमें बताता है कि टैलेंटेड बच्चे का संकेत नहीं है, उसका ये साइन नहीं है। तो दूसरों के साथ झगड़ा करना, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं वो झगड़ों वगैरह से दूर ही रहते हैं, तो दूसरों से वो झगड़ा नहीं करते हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया जो है वो रिलेट करता है रीडिंग डिसऑर्डर से। अभी मैंने आपसे पीछे क्वेश्चन पूछा भी था, डिसेबिलिटी के क्वेश्चन काफी बार रिपीट होते हैं आपके एचपी टेट के एग्जाम में, पठन विकार से, रीडिंग डिसऑर्डर से ये रिलेटेड है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को या बालकों को शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। तो अभी मैंने बताया इंक्लूसिव एजुकेशन में नॉर्मल बच्चों के साथ जो है वो जो स्पेशल नीडी बच्चे होते हैं उनको भी हम एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, समावेशी एजुकेशन में, तो अन्य बालकों के साथ उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है, यदि कोई एक व्यक्ति बुद्धिमान है, एक जो बच्चा है वो क्लास में इंटेलिजेंट है, तो आप क्या करेंगे, उस बच्चे को संतुष्ट करेंगे अन्य छात्रों के साथ, उसके लिए एक्स्ट्रा होमवर्क आप देंगे या उसको मोटिवेट करेंगे या उसके घर में बताएंगे कि वो इंटेलिजेंस है। अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसके घर वालों को तो पता ही होगा कि ये इंटेलिजेंट है, तो ऑप्शन डी तो आएगा नहीं। तो आप बच्चे को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि उसकी प्रोग्रेस धीरे धीरे आप उसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं उस बच्चे को। सो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता, जो हमारे एनवायरनमेंट में अगर कुछ ऐसे इशू हो रहे हैं तो उनके लिए जो हमेशा व्यक्ति सजग रहता है, हमेशा वो आवाज उठाता है, हमेशा वो उन चीजों के बारे में ध्यान रखता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो कैसे उससे निकलता, उसको कहा जाता है क्रिएटिव चिल्ड्रन। जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कार्य करता है उनको क्रिएटिव चिल्ड्रन कहा जाता है, सृजनशील बालक उसको कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करता है। यानी कि कोई एक ऐसा बच्चा जो अनऑर्गेनाइज्ड घर से आ रहा है, घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो वो किस चीज के बारे में डिफिकल्टी वहां पे फील करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंडिपेंडेंट स्टडी में, लेसन जो है वो उसको बनाना नहीं है क्योंकि वो तो स्कूल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन जब टीचर उसको ये कहेंगे कि आपको ये काम घर से करके आना है, तो इंडिपेंडेंट स्टडी, जब सेल्फ स्टडी वो करेगा तो उसको वो चीज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब वो स्कूल में होगा तो घर में जो घर का माहौल होगा वही उसके दिमाग में होगा, तो उस वजह से वो इंडिपेंडेंट स्टडी नहीं कर सकता। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, कोई एक ऐसा बच्चा है जिसके मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं हैं, और एज अ टीचर अगर आप उसको इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उससे इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश में बात करने के लिए मजबूर करेंगे या मातृभाषा बोलने से रोकेंगे, या फिर मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये आपके पेडागोजी के क्वेश्चन है, इसमें आप उसकी जो मदर टंग लैंग्वेज है उसको ही आप धीरे धीरे जो है वो इंग्लिश में उसको जो है वो कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे, तभी बच्चा जो है वो ज्यादा अच्छे से सीख पाता है। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसे कौन से बाह्य कारक हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात की गई है, आप ध्यान रखिए यही मेन पॉइंट है, एक्सटर्नल फैक्टर जिनसे बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं, यानी कि बच्चों का इंटरेस्ट नहीं लग पाता है क्लास में।
तो हैं तो ये सारे इमोशन की वजह से, कल्चर की वजह से, उनके एटीट्यूड की वजह से, एम ऑब्जेक्टिव की वजह से। लेकिन आपको बताना है बाहर, बाहरी कारक कौन सा, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल जो आता है जिसमें बच्चे का इंक्लूजन ना हो, सोसाइटी का इंक्लूजन हो, तो कल्चर एंड ट्रेनिंग ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ये एक एक्सटर्नल फैक्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है जो बीकर सेक्शन के बच्चे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, आपको पता भी होगा आजकल जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस का कोटा दिया जाता है, इकोनॉमिकल बीकर सेक्शन। तो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपको बताने कि जो बीकर सेक्शन के बच्चे होते हैं उसमें क्या आता है। पहला ऑप्शन है जिनकी वार्षिक आय कम हो, नहीं ऐसा तो नहीं होता है। जो वंचित वर्ग में आते हो, नहीं वंचित वर्गों को भी इकोनॉमिकल बीकर नहीं कहा जाता है। गरीबी रेखा के नीचे, नहीं उनको तो बीपीएल कहते हैं, ये तो आएगा नहीं। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन डी, ऐसे अभिभावकों के बच्चे जो सरकार द्वारा निर्धारित है न्यूनतम सीमा के वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग में आते हो। हाँ, इकोनॉमिकल बीकर सेक्शन की जब बात की जाती है, बीकर सेक्शन की बात हम जब करते हैं, तो उसमें बेसिकली जो सरकार की क्राइटेरिया है कि मिनिमम जो आपकी लिमिट है इनकम की वो इतनी होनी चाहिए। जैसे हिमाचल गवर्नमेंट में अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाया जाता है तो उसमें दो जो है वो वहां पे क्राइटेरिया रखे जाते हैं कि 1 हेक्टेयर की भूमि नहीं होनी चाहिए और 4 लाख से नीचे जो है वो सालाना इनकम होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका यहाँ पे राइट आंसर है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन बोल सकते हो, वीकर सेक्शन बोल सकते हो जिसमें वार्षिक आय की सीमा के नीचे जो वर्ग आते हैं उनको वीकर सेक्शन में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है पिछड़े बालक कौन होते हैं, तो जिनकी सीखने की गति धीमी हो, हाँ उनको पिछड़े बालक कह सकते हैं। 80 से 90 के पीछे जिनका IQ लेवल है, यानी कि 50-60 है, उनको भी हम बोलते हैं। मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, मेंटली फिट ना हो, तो ये सभी जो है वो पिछड़े बालक में आते हैं। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है एलेक्सिया किससे रिलेटेड है, ये आपको बताया था डिसलेक्सिया पढ़ने से रिलेटेड है, एलेक्सिया भी पढ़ने से रिलेटेड है। एलेक्सिया में मेंटल डिसऑर्डर भी आता है साथ में, यानी कि बच्चा पढ़ नहीं पाता है ड्यू टू मेंटल डिसऑर्डर। तो पढ़ने से रिलेटेड ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट नया क्वेश्चन है साइजोइड वर्ग में कौन से बच्चे आते हैं, कौन से बालक आते हैं इसमें, तो इसमें जो है वो टैलेंटेड चाइल्ड जो है उनका जो वर्ग होता है, उनका जो ग्रुप होता है, क्लास होती है, कैटेगरी है, उसको कहा जाता है साइजोइड वर्ग। ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। अगर कोई स्पेशल चाइल्ड है तो वो किसमें काउंट किया जाएगा, हो सकता है वो पिछड़ा बालक हो, गिफ्टेड भी हो सकता है, विजडम चाइल्ड भी हो सकता है, इंटेलिजेंट भी हो सकता है। तो ये सभी ऑप्शन डी जो है वो इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। वो सभी में, सभी टाइप के कैटेगरीज में वो उसको हम रख सकते हैं। अगला अपराधी बालक कौन होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जो अपराध करता है यानी कि असामाजिक कार्य करते हैं, एंटी सोशल एक्टिविटी जब हम करते हैं, वायलेंस क्रिएट होती है, उसको असामाजिक कार्य कहते हैं और उन्हीं को अपराधी बालक कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन जनरली हैव, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता क्या होता है। HP टेट का प्रीवियस ईयर का आपका ये क्वेश्चन रहेगा 2013 का, HP टेट 2013 का ये क्वेश्चन है और इसमें पूछा है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता क्या होता है, तो उसको कहा जाता है डिसग्राफिया, क्योंकि बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। लिखने में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, पेन को अच्छे से पकड़ नहीं पाते, हाथ में दिक्कत है, इसलिए फिजिकल तरीके से, तो डिसग्राफिया जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रतिभाशील बच्चे कौन होते हैं, टैलेंटेड बच्चे कौन होते हैं जो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, उनको कहा जाता है टैलेंटेड स्टूडेंट ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इंट्रोवर्ट की बात की गई, यानी टैलेंटेड जो होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को नहीं कह पाते, नहीं जो अगर उनको नीड है तो वो इजीली बोल देते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, शिक्षकों से स्वतंत्र नहीं होते हैं, कोई भी बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं होता है टीचरों से, वो डिपेंडेंट कहीं ना कहीं पे होते हैं, चाहे मोटिवेशन के लिए हो, गाइडेंस के लिए हो, काउंसलिंग के लिए हो, किसी ना किसी चीज के लिए वो टीचर पे डिपेंड होते हैं। लेकिन
आत्मनिर्भर होते हैं अपने डिसीजन को लेने के लिए। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, एक ऐसा बच्चा जिसको कोई बीमारी है जो कि सा को बोझ पड़ता है, यानी कि उल्टा एस ए डब्ल्यू को अपोजिट पड़ता है डब्ल्यू ए एस, और न्यूक्लियर न्यूक्लियर को पढ़ता है अनक्लियर, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो वो किस बीमारी से जो है वो सफर हो रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा डिसलेक्सिया, पढ़ने से रिलेटेड है ये भी, अंतर नहीं कर पा रहा है कि सो सा और बोज दोनों अलग अलग हैं। जैसे सी और डी की बात की थी कि डी ओ को सी पढ़ता है, एफ को जो है वो ई पढ़ता है, क्योंकि सिमिलर है ना, एक 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 जैसे जैसे ये डी है ये बी है, तो स्मॉल और कैपिटल का उसे पता नहीं चलता, वो डिसलेक्सिया में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? अगर आपकी क्लास में एज ए टीचर अगर आप पढ़ा रहे हैं, आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फिजिकली हैंडीकैप है, तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, ये क्या ऐसी चीज जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही है? आप उनके लिए गाना प्रस्तुत करेंगे? नहीं, गाना तो नहीं आएगा, क्योंकि टीचर का काम पढ़ाना है। पहिए वाली कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने साथ समय के साथ ही बच्चों से मदद ले सकते हैं, ठीक है, नहीं ये तो यहाँ पे नहीं, क्योंकि पहिए वाली कुर्सी से बच्चा खुद ही चला जाता है, ठीक है। बैसाखी का प्रयोग नहीं करते हैं, तो बैसाखी का प्रयोग तो करना चाहिए क्योंकि फिजिकली हैंडीकैप है बच्चा। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, कि वो कोई भी वैकल्पिक गतिविधि जो है वो कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जो भी उनको करना है वो कर सकते हैं, उसमें टीचर का कोई भी रोल जो है वो नहीं रहता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, गिफ्टेड लर्नर कौन होते हैं? गिफ्टेड लर्नर कौन होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, जो ऐसे सीओ की आवश्यकता जो विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कर पाए जाते हैं। जैसे कोई एक बच्चा गिफ्टेड है, उसको म्यूजिक का काफी शौक है, लेकिन हो सकता है कि उस स्कूल में वो चीज हो ही ना, तो उसको क्या होती है, स्पोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन स्कूल जो है वो उसको वो चीजें प्रोवाइड नहीं करवा सकते। उसको म्यूजिक पसंद है, उसको फुटबॉल पसंद है बच्चे को, लेकिन हो सकता है कि 10th क्लास का जो बच्चा है उसके स्कूल में फुटबॉल का ग्राउंड ही ना हो, ना ही फुटबॉल हो। ये जिसको म्यूजिक पसंद है वहां पे म्यूजिक का टीचर नहीं होगा, या फिर इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे, या प्रॉपर एक वहां पे डेकोरम नहीं होगा कि वो म्यूजिक जो है वो सीख सके, तो उसको जो है वो जरूरत होती है स्पोर्ट की, लेकिन स्कूल के द्वारा कई बार वो प्रोवाइड चीजें नहीं हो पाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, टैलेंट अकर ड्यू टू, किसके कारण आता है टैलेंट? तो टैलेंट जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये जेनेटिक कंपोजिशन भी होती है कि पेरेंट्स से बच्चों को मिला, और इन्वायरमेंट मोटिवेशन की वजह से भी आता है कि आपने कोई ऐसी चीज इन्वायरमेंट में देखी, आपके अंदर मोटिवेशन आया, आपने वो चीज सीख ली। स्किल और टैलेंट दोनों अलग चीजें होती हैं, ध्यान रखेंगे, स्किल और टैलेंट अलग होती है। जो गॉड गिफ्टेड हम बोलते हैं ना, कि किसी की आवाज बड़ी सुंदर है, बड़ी पतली आवाज है, बड़ी अच्छी आवाज है, गाने बड़ा अच्छा कोई गाता है, तो हम बोलते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड है, तो गॉड गिफ्टेड टैलेंट में काउंट किया जाता है, ना कि स्किल में, और स्किल को प्रैक्टिस से सुधारा जाता है। तो टैलेंट में बी और सी दोनों ऑप्शन काउंट किए जाएंगे। सो ऑप्शन जो बी और सी बोथ का है वो ऑप्शन नंबर डी है, इसका ये राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण में कौन सा सही उत्तर रहेगा? अगर आप बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, बच्चे कुछ चीज सुन रहे हैं, तो आपको क्या चीज करनी चाहिए, बच्चों को थोड़ी छूट देनी चाहिए कि क्या सीखना और क्या उनको पढ़ना है, कैसे सीखना है, क्या सीखना है, तो उनको छूट मिलनी चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है वही इसका सही उत्तर रहेगा। सो ये हमारे आज के 30 साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन पेडोलॉजी के थे। एचपी टेट के प्रीवियस ईयर की हमारी ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें डेली आपको एचपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यूट्यूब के लिए भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहेगी, और इसके साथ साथ हमारे जो पेड बैचेस के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये क्लास आपके एप्लीकेशन के ऊपर प्रोवाइड कर दी जाएगी।
आप वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ कल मैं आपसे फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।